ये जो लेप आप देख रहे हैं ये आपके बालों को काला बनाने का काम करता है, लेकिन इसके अंदर इंडिगो का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है, फिर भी ये आपके बालों को बहुत अच्छे से काला बनाएगा। अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं, आपको मेरे बाल पूरी तरीके से काले काले दिख रहे होंगे। मैं आप लोगों को अभी अपने बाल अच्छे से दिखाती हूँ। मेरे बाल आपको पूरी तरीके से काले दिख रहे हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं और आप उनको छुपाने के लिए केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं अपने बालों के साथ। केमिकल वाली डाई ना बहुत खराब होती है, हार्मफुल होती है, वो आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करने का काम करती है। तो इसीलिए ये जो लेप आपको दिख रहा है ये बेस्ट है आपके बालों को काला बनाने के लिए, और ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को भी ट्रीट करेगा। और जब मैं ये बोलती हूँ कि आप अपने प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट कर सकते हैं और जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं उनको काला भी बना सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है और बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे ये भी बोलते हैं कि जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं ना वो वापस से काले नहीं होते। तो यकीन रखिए होते हैं, ऐसा खुद मेरे साथ हुआ है। मैं आप लोगों को पिक्चर लगा दूंगी, एक पिक्चर ये देख सकते हैं आप और दूसरी पिक्चर आप ये देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने बालों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रीमेच्योर हेयर ग्रोथ को ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका डाइट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं, जैसे कि त्रिफला पाउडर और आमला पाउडर। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी हेल्दी हेल्दी रेसिपी शेयर की है, तो मैं डाइट की बात इसमें नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को नेचुरल तरीके से अपने सफेद बालों को काला बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे मैं बताऊंगी एग्जैक्टली आपको उसी तरीके से बनाना है, तभी आपके बाल काले होंगे। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस नेचुरल डाई को बनाने के लिए आपको काली वाली चाय पत्ती चाहिए। ग्रीन टी आती है, ब्लैक टी आती है, तो ग्रीन टी नहीं, हमें ब्लैक टी यहाँ पे यूज करना है। देखिए ये नेचर में एसिडिक होती है, इसके अंदर बहुत सारा टैनिन होता है जो कि एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये आपके बालों का जो पिगमेंट होता है उसको रीस्टोर करने का काम करता है, आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये नेचर में एसिडिक होता है, ये आपके बालों का जो कलर होता है ना उसको इन्हांस करने का काम करता है और आपके बालों का जो ग्रोथ है उसको स्पीड अप करता है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है। जब आप इसको स्कैल्प में अप्लाई करते हैं तो ये हेयर ग्रोथ प्रमोट करने का काम करता है, ब्लड फ्लो बूस्ट करता है। तो आप चाय पकने के लिए रख दीजिए एक साइड में, और दूसरे साइड में आपको कुछ इंग्रेडिएंट लेने हैं लोहे के बर्तन में। स्पेशली यहाँ पे आपको लोहे का बर्तन ही इस्तेमाल करना है, लोहे का बर्तन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ड्राई हिबिस्कस फ्लावर मैंने इसमें ले लिया है। हिबिस्कस फ्लावर आपके बालों का जो पिगमेंट होता है ना उसको प्रिजर्व करने का काम करता है और आपके बालों को वापस से काला भी बनाता है। इसके अंदर खुद का एक कलर होता है, जब इसको लगातार आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके बालों में रिस्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बीट रूट पाउडर, यानी चुकंदर का पाउडर। आप फ्रेश चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपके बालों को पिगमेंट देने का काम करती हैं, सफ़ेद बालों को वापस से काला बनाती हैं, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी आपके बालों को काला बनाने का काम करती है अगर रेगुलरली इसको इस्तेमाल करेंगे तो। देखिए जिन चीज़ों में खुद कलर होता है, पिगमेंट होता है, वो आपके बालों को भी पिगमेंट देने का काम करती हैं, और ये सारी चीज़ें आपके बालों से पिगमेंट लॉस को रोकती हैं और आपके बालों को काला बनाने का काम करती हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ड्राई आमला। एक मुट्ठी के बराबर मैंने ड्राई आमला का इस्तेमाल किया है। आमला भी आपके बालों को काला बनाता है, जो पिगमेंट है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। अब ये जो हेयर मास्क है इसको हम लोग सिर्फ काला बनाने के पर्पज़ से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने बालों की ग्रोथ को भी स्पीड अप करना चाहते हैं, तो इसीलिए कुछ इंग्रेडिएंट और इसमें ऐड होंगे। भृंगराज मैंने इसमें ऐड किया है, भृंगराज भी आपके बालों को काला बनाता है, हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा होता है ये। और यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ब्रह्मी। ब्रह्मी भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो एक चम्मच के बराबर मैंने ब्रह्मी का भी इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके बालों को काला बनाएगा, जो आपके बालों का पिगमेंट है उसको प्रिजर्व करने का काम करेगा। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आपके बाल काले हो जाएंगे। देखिए हमने जो चाय पत्ती उबाला हुआ है आप देख सकते हैं, ये एकदम गरम गरम है, भाप आपको निकलता हुआ दिख रहा है, तो गरम चाय आपको इसमें छान देनी है, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स को और इसको भिगा के रात भर के लिए छोड़ना है। इसको नॉर्मल पानी में नहीं भिगोया मैंने,
चाय पत्ती के पानी में भिगोया, गर्म चाय पत्ती के पानी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। रात भर इसको छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मैं दिखाऊंगी कि इसका कलर देखिएगा आप कितना ज़्यादा ब्लैक हो गया है। आप देख सकते हैं जो लोहे का कलर है ना वो इस पानी में आ जाता है और ये आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ग्राइंडर में डालूंगी, थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी, अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसको स्ट्रेन नहीं करना है, स्ट्रेन करने से पहले आपको क्या करना है, इसको स्टील के एक बर्तन में डालना है। अगर आपके पास बड़ा लोहे का बर्तन है तो उसी का इस्तेमाल करिएगा। मेरा लोहे का बर्तन बहुत छोटा है तो इसलिए मैंने इसको स्टील के बर्तन में डाला और अच्छे से इसको बॉयल कर दिया एक बार और अच्छे से, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं और अच्छे से एक्टिव हो जाएं। अब गरम गरम ही लिक्विड आपको छान लेना है। ये जो लिक्विड है ना ये बहुत ही स्ट्रांग है, आप मेरे हाथों में कलर देख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं इस हाथ से मैंने टच किया था लिक्विड और ये हाथ काला हो गया है। अब क्या करना है आपको कि लोहे का बर्तन लेना है, उसमें आपको हीना लेना है, हीना पाउडर लेना है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, बस प्योर होना चाहिए, कोई केमिकल वगैरह ना हो, इंग्रेडिएंट आप चेक करके लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें भी आपको कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। देखिए लोहे का बर्तन में ही इसको भिगोना है, अगर आपको अपने बालों को काला बनाना है तो इसको आपको लोहे के बर्तन में भिगोना है। जो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ सारी चीज़ें ऐड करनी है, गरम गरम लिक्विड ही आपको इसमें डालना है। जो लिक्विड है वो एसिडिक है क्योंकि ब्लैक टी एसिडिक होती है नेचर में, आंवला एसिडिक होता है नेचर में, तो बेसिकली ये बहुत ही पावरफुल एसिडिक लिक्विड है। गरम गरम इसमें आप डालिए, मिक्स करिए हीना को, फिर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए मेरा हाथ कितना काला हो गया। अब मैं आपको इससे ज़्यादा प्रूफ क्या दूँ, है ना, देख सकते हैं आप, इसीलिए मैं आपको स्पेशली अपना हाथ भी दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये आपके बालों को सच में काला बनाने का काम करेगा। बस ट्राई करिएगा एक बार, उसके बाद आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। एक्सपीरियंस भी आप अपना मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पूरा रात भर हो चुका है, ये अच्छे से मेहंदी हमारी तैयार हो गई है, मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेहंदी लगाने से पहले एक बार मैं आप लोगों को अपने बाल भी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कुछ आपको वाइट हेयर्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स तो मेरे नहीं हैं अभी, काफ़ी प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की जो प्रॉब्लम थी मेरी ख़त्म हो गई है, बाल वापस से काले भी हो गए हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर भी शेयर की है, आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे बहुत कम सफ़ेद बाल बचे हैं, लेकिन जो भी बचे हैं मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को लगाने से पहले एक बार दिखा दूं, ताकि आपको अच्छे से बाद में जब मैं आप लोगों को हीना लगाने के बाद जब दिखाऊंगी अपने बाल तो आपको यकीन हो जाएगा, आप डिफ्रेंस कर पाएंगे कि हाँ पहले मेरे बाल ऐसे थे बाद में ऐसे हो गए। अभी मैं आप लोगों को अपने पीछे के बाल भी दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की मुझे प्रॉब्लम थी नहीं थी। मैंने आप लोगों के साथ पिक्चर भी कई बार शेयर किया है, दो तीन पुरानी पिक्चर है, घूम फिर के मैं वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप अपनी प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को क्योर कर सकते हैं, बाल को काला भी बना सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। देखिए अब क्या करना है आपको कि ये जो हीना है इसको अच्छे से अपने साफ सुथरे बालों में लगा लेना है। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन होने चाहिए, अगर आप एक दिन पहले शैम्पू कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, फिर उसके बाद इसको अपने पूरे बालों में लगा लीजिए। अभी हालांकि गर्मी बहुत है तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा, और सूखने के बाद हेयर मास्क जब आप छुड़ाते हैं मतलब धुलते हैं तो थोड़े बाल टूटते हैं, तो इसलिए इस तरीके से आप इसको कवर कर लीजिए शावर कैप से। आप जो प्लास्टिक होता है उससे भी कवर कर सकते हैं। मैं 4-5 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। 48 आवर्स तक, 48 घंटे तक आपको बाल नहीं धुलना है, उसके बाद तभी हीना अच्छे से आपके बालों में काम कर पाएगी, अदरवाइज हीना का कलर बहुत जल्दी वाइप ऑफ हो जाएगा। अभी आप मेरे बाल देखिए कितने काले लग रहे हैं, है ना, पहले से कंपेयर करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल काफ़ी काले लग रहे हैं, और जो भी मेरे बाल सफ़ेद थे अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे सफ़ेद, तो वो काले हो गए हैं, और आपको मेरे बाल ऑरेंज नहीं लग रहे हैं, है ना। तो ये जो मेहंदी है ना ये आपके बालों को काला बनाने का काम करती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप जिस लिक्विड में आप हीना को भिगोने वाले हैं उसको आप जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से बनाइएगा। चाय पत्ती काली वाली डालिएगा और उसमें आंवला डालिएगा, भृंगराज डालिएगा, और साथ ही साथ कॉफ़ी पाउडर ज़रूर डालिएगा। और देखिए लोहे के बर्तन में ही भिगोइएगा, ठीक है, तभी आपका काला रंग आएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल अच्छे से पूरी तरीके से काले हो गए हैं। ये हेयर मास्क हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो हीना का रेड ऑरेंज टोन होता है वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों को ब्लैक चाहिए होता है कलर, तो ये पूरी तरीके से ब्लैक तो नहीं होगा लेकिन हाँ रेड और ऑरेंज टोन नहीं आएगा, ये डार्क ब्राउन टाइप का कलर आएगा।
जो ऑलमोस्ट ब्लैक ही होता है, मतलब आपका बाल ब्लैक है उसमें ब्राउन कलर अगर रहेगा तो वो छुप जाएगा, वो दिखेगा नहीं। जैसे रेड और ऑरेंज टोन जिस तरीके से दिखता है ब्लैक वाले बालों के साथ, वैसा वो नहीं दिखेगा, वो आपके ब्लैक बालों में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपको बताऊं, ये जो हिना का कलर है ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, ये जल्दी आपके बालों से निकलेगा नहीं। मेरे हाथ पे कलर आ गया था, जो मैंने आयरन काबलों को अपना हाथ भी दिखाया था, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन जाके थोड़ा मोड़ा साफ हुआ है, लेकिन फिर भी आप इधर साइड में देखेंगे ना तो इधर साइड ब्लैक ब्लैक है, नेल्स के साइड बहुत सारा ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो अगर आप लिक्विड को ऐसे ही हाथ से छू लेंगे ना तो आपके हाथ ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे, जो कि गंदा लगता है देखने में, आप देख सकते हैं इधर साइड भी अजीब सा लग रहा है। तो आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, उसके बाद लिक्विड को टच करिएगा, ऐसे आप टच करेंगे ना तो हाथ के ऊपर भी ब्लैक कलर आ जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, इसको जरूर ट्राई करिए, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी है, साथ ही आपके बालों को बहुत ज्यादा शाइनी और हेल्दी भी बनाती है। मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा देती हूँ, इसको इस्तेमाल करने के बाद ये देखिए, अगर आपको रेड ऑरेंज टोन हीना का पसंद नहीं है या फिर आप हीना के कलर को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, इंटेंस बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप जरूर इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।